श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयं वसुदेवसूनं नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। अब वो जैसे कोई हार हिल रहा हो ऐसे हिलने लगे नाच, बड़े शोभित हो गए, पर उनके लिए तो हार नहीं रहा, उसके लिए बेचारे के लिए वहां तो पर्वत हिल रहा है, पर्वत का घर्षण हो रहा है, तो नंदनंदन को नीचे नहीं गिरा सका। अब वो नंदनंदन ने बड़े जोर से गले को पकड़ के धर लिया, इतना व्रत में कोई शक्ति रही नहीं, निश्चेष्ट हो गया बेचारा, उड़ना बंद, उड़ने की ताकत उसमें रही नहीं। तो उसने सोचा कि अब वो जोर से चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाना चाहा, तो नंदनंदन ने सोचा कि ये कहीं चिल्ला उठा जोर से, जैसे पूतना के चिल्लाने पर हमारे सबके सब गोकुलवासी संतरस्त हो गए थे, डर गए थे, और मैया डर गई थी, तो सब डर जाएंगे, मैं हूं ऊपर अभी, तो ऐसे जोर से गला दबाया जिसमें आवाज न निकले। तो इतने जोर से गले को पकड़ लिया भगवान ने कि उसका श्वास ही रुक गया वहीं पर, श्वास रुक गया। अब क्या करे बेचारे की आंखें निकली आई बाहर, और उसने अव्यक्त आर्तनाद किया। पूतना राक्षसी ने बड़े जोर से चित्कार किया था, बस अव्यक्त आर्तनाद के साथ ही इसके प्राणवायु जो है वो निकल गए, भगवान में प्रवेश कर गया। अब नंदनंदन उस निश्चेष्ट मृतदेह का आश्रय करके गोकुल की भूमि में उतरने लगे, उतरना इनका लीला से उतरना है, उतरने लगे तो ऐसी बात नहीं कि ये बेहोशी में उतरते हों या अपने आप यहां भी योग माया काम करती। तो इन्होंने सोचा कि उतरें कहां, उधर नंद बाबा यशोदा मैया और ब्रजवासियों के गोप गोपियों की तमाम आर्त ध्वनि इनके कानों में आ रही है, हृदय उनका विगृत हो रहा है, मारे स्नेह नंद नंदन का हृदय उनका रोना सुन करके, और जल्दी में आकर के मां के हृदय पर लग जाना चाहते हैं, स्तनपान करना चाहते हैं, भूख भी लग गई, इतनी मेहनत की ना। तो सोचा कि भाई इसका बड़ा भारी पर्वत सा दे, असली रूप प्रकट हो गया इसका, और कहीं किसी गांव पर गिर पड़ा तो गांव ही खत्म हो जाएगा, और कहीं पेड़ों पर गिरा तो सारे पेड़ चूर चूर हो जाएंगे, तो क्या करें कहां करें। तो एक बड़ा भारी चौक था, पक्का पत्थरों का बना हुआ चौक, तमाम चट्टानों से बनाया गया था, वहां पर न कोई घर था, न कोई आदमी रहते थे, न गायें रहती थी, कभी कभी वहां पर कोई काम होता था, उत्सव होता था, और वो घर के पास ही रहा, दूर भाग करके पूतना के समय तो जाना पड़ा गोपियों को। तो इन्होंने सोचा कि अब ये करें कि ये जहां गोदोहन होता है उसके बगल में ही वो पत्थर की चट्टान है, पत्थर से बांधा हुआ आंगन है, बड़ा विराट आंगन,
तो कहा, सोचा मैंने कि जोर से पटके इसको, तो वहां पड़ते इसकी देह भी चूर चूर हो जाए और शब्द हो तो उससे सब इकट्ठे भी हो जाए, वहीं पर आ जाए, मैया भी उठा ले तत्काल मुझको, सब गोपियां भी आ जाएंगी, उनको भी आने में कष्ट नहीं होगा, तो बस भगवान की इच्छा हुई और काम हुआ। तो ये प्रेम प्रेम वर्धन करने में लगे हुए भक्त वत्सल भगवान नंद नंदन अपने भक्तों का आनंद बढ़ाने, उनके दुखों का नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। ये नंद नंदन है ना, आनंद वर्धन है, सबको आनंदित करने वाले। तो इस समय गोपियों को इन्होंने भयभीत नहीं किया, जनावर्त को इसीलिए वायु रूप धारण करवाया, इसीलिए ऊपर गए, आकाश पथ में गए। अब यहां पर ये नीचे उतरने की उन्होंने वांछा की, तो बस वो नीचे उतरे और उस पत्थर के आंगन पर दे आकर के गिरा, जोर से पटका यहां पर, अब तो उनकी जैसी मर्जी। तो पड़ते बड़े जोर की आवाज हुई और वो देह थोड़ा एक तो पत्थर पर पड़ा, पत्थर सा देह, पत्थर से पत्थर जब टकराया तो चूर चूर हो गया, ये इसका देह चूर चूर हो गया, पिस जा गया। अकस्मात जब आंगन में जोर का शब्द हुआ तो नंदन नंदन के विरह में कातर जो गोपियां रही बात्सल्यवती मैया के समवयस्का, ये तमाम गोपियां उधर देख रही, क्या हुआ आंगन में, ये नई बात क्या होगी, फिर काय का शब्द हुआ। तो कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर के तीर लगने पर जैसे त्रिपुरासुर गिर पड़ा, उसी प्रकार से ये पर्वताकृति, ये विस्तीर्ण देह वाला इस बड़े भारी चौड़े लंबे मैदान में, पत्थर के मैदान में आ गिरा। इससे भयभीत होना तो मामूली बात थी, तो गोपियां पहले तो चमकी, डरी क्या हो गया, ये क्या गिरा, परंतु आंख उधर लगी थी ना, तो देखा ये नीलमणि के सदृश चमकती हुई कोई चीज जो नयनों को मन को हरने वाली है, ये दिखाई दी दूर से, ये दिखाई दी। तो बस देखते ही ध्यान में आ गया, अरे अरे ये तो हमारा खोया धन मिल गया, ये खोया हुआ धन मिल गया। तो आनंद के आवेग में अधीर होकर के और तमाम गोपियां दौड़ी, उन्होंने देखा कि महान भीषण एक असुर देह के वक्षस्थल पर उनके हृदय के धन नंद नंदन दोनों हाथों से असुर के देह को पकड़े हुए, उसके कंठ से लिपटे हुए और नीलमणि पदक की भांति लटक रही। इस परम अद्भुत दृश्य को देखते ही आनंद और विस्मय से उनका हृदय परिप्लुत हो गया, भर गया, बहने लगा, आनंद की धारा बहने लगी। और वो आनंद, वो जो शोक के आंसू थे, अब तक शोक के आंसू थे, वो शोक के आंसुओं का प्रवाह आनंद के आंसुओं की धारा के रूप में परिवर्तित हो गया और उनके सारे वक्षस्थल को आनंद के आंसुओं ने भिगो दिया। उनका जीवन नंद नंदन को देख करके करोड़ों गुना वो शक्ति संपन्न हो गया, तनावर्त की भीषणता जरा भी स्पर्श नहीं हुई उनको देख, उनके मन पर देख करके परम आनंदित हो गए और उठा लिया नंदन नंदन को, उठा के सैकड़ों सैकड़ों बार मुंह चूमने लगी। और यशोदा मैया बड़ी धुले, आ गया नंद नंदन, आ गया देख लल्ला, आ गया लल्ला। जो लल्ला सुनते ही यशोदा मैया में ताकत आ गई, बल आ गया। यशोदा मैया उठी, उठ करके पहले मन में आया कि नारायण उनकी बड़ी कृपा है, ये नारायण जो है हमारे इष्ट देवता, ये देखो ना किस किस प्रकार से बचाते हैं भगवान। हे नारायण आपको धन्य है पूजा मानता, फिर बोली मन में ये पूजा करूंगी, अब की ये पूजा करूंगी। और राक्षस सोचा मन में कि देखो ये राक्षस, इतना घोर राक्षस, अरे बचा के ले आए ना नारायण, बच्चा थोड़ी बचता अपने आप, ये तो नारायण की बड़ी कृपा कि बच्चे को बचा के ले आए। तो पुत्र के दर्शन से यशोदा मैया जो हाय हाय कर रही थी,
जिसके जीवन का पता नहीं लग रहा था कि जीवित है या नहीं, वो नंदन नंदन को देख करके और बस अत्यंत आनंदित हो गई, दोनों हाथ फैलाए और उस बच्चे ने भी आने की चेष्टा की, ले मुझे जल्दी, तो मैया ने उसको गोद में ले लिया, पुनः पुनः हृदय से लगाया, दोनों हाथ पसार दिए, मुख चुंबन किया, सिर सूंघा, सिर पर हाथ फेरा और फिर धीरे से स्तनाग्र उसके मुख में दे दिया, दहने हाथ से सारे अंगों को मां इस प्रकार सहेजने लगी, सहेलने लगी और देखने लगी किसी अंग पर चोट तो नहीं आई, एक एक अंग को मैया देखने लगी। इस प्रकार यशोदा के क्रोध में सोए हुए भगवान स्तनपान कर रहे, इनको देख करके नंद और गोपियों तमाम गोपालों के मन में अत्यंत हर्ष छा गया और ये भगवान वहां पर सबको आनंद देने वाले बन गए। तृणावर्त चट्टान पर गिरा और उसके शरीर का चूर चूर हो गया, प्राण तो पहले ही निकल गए थे, तो सब गोपों ने, यशोदा मैया ने, सब लोगों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो बताभुतमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात्म हिंस्रस्व पापेन विहंसित खल साधु समत्वेन भयाद्मुच्यते। उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया और वे आपस में बात करने लगे कि देखो कैसी अद्भुत घटना हो गई, इस बालक को तो मानो राक्षस ने अपने मुंह में डाल लिया था, मर चुका था, ऊपर उड़ा के ले गया, लेकिन होता क्या है, मनुष्य सोचता है कि मैं अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी चेष्टाओं से और अपने दुराग्रह से, दुराचरण से किसी का बुरा कर दूंगा, तो पर होता क्या है, जो किसी दूसरे का बुरा करने जाता है उस दूसरे का तो बुरा तभी होता है जब होना होता है, मनुष्य को कर्म का फल प्राप्त होता है, कर्म बनता है पहले और फल होता है पीछे, पहले फल हो और उसके बाद कर्म बने ये संभावना नहीं, बीज पहले होता है फल उसके बाद होता है, तो मनुष्य को जो अच्छे बुरे फल मिलते हैं, जितने भी लौकिक फल, जितने भी लौकिक भोग, वस्तु पदार्थ परिस्थिति और प्राणी, ये सब के सब ये मिलते हैं उसके पूर्व जन्म के अपने किए हुए कर्मानुसार ही, परंतु यदि वो दूसरे का बुरा करने जाता है तो दूसरे का बुरा तो तभी होता है कि जब उसका बुरा उसके कर्मवश होना विधेय होता है, लेकिन बुरा करने वाला, बुरा चाहने वाला अपना बुरा अपने आप तुरंत कर लेता है और उसको उसका फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है, दूसरे का तो बुरा कर नहीं सकता और अपना बुरा उसका अपने आप हो जाता है। तृणावर्त आया था श्री कृष्ण को मारने के लिए, श्री कृष्ण तो मरे नहीं, पर वो मारने को आया था, वो स्वयं मारा गया। तो वो कहते हैं कि ये जो खल था पापी, हिंस्र स्वपापे न विहंसित खल, ये अपने पाप से अपने आप मारा गया। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दूसरे का बुरा करते समय, दूसरे के लिए मन में बुरी भावना जब हमारे मन में पैदा हो, तब तो ये समझ ले कि दूसरे का बुरा हम कर सकेंगे ही नहीं,
उसका बुरा यदि होना है तो होगा उसके कर्म से, पर बुरा करने की नियत इच्छा और चेष्टा करते ही हमारा बुरा अवश्य हो जाएगा। इसलिए दूसरे का बुरा करने की कभी बात सोचे नहीं, और अपना बुरा किसी के द्वारा होता हो तो वहां ये सोचे कि मेरा बुरा कोई कर नहीं सकता, मेरा बुरा होगा तभी जब मेरा बुरा मेरे कर्मवश होना होगा। दूसरा यदि मेरे बुरे में निमित्त बनता है तो वो स्वयं अपना बुरा करता है, तो अपना बुरा जो आप करता है वो मूर्ख है, वो दया का पात्र है। तो इसलिए हमारा बुरा कोई करना चाहे या करे तब तो ये समझे कि बुरा हमारा होना होगा तो होगा, न होना होगा हमारे कर्म के फल रूप तो नहीं होगा उसके हजार चेष्टा करने पर भी। बहुत चेष्टा लोग करते हैं दूसरों का अधिष्ट करने की और नहीं होना होता नहीं होता। तो दूसरे का बुरा हम कर नहीं सकते, पर हम करना चाहते हैं अपना बुरा करते हैं। तो दूसरा कोई हमारा बुरा करना चाहे तब तो हम ये सोचें कि हमारा बुरा इसके किए होगा नहीं, अपना बुरा आप करता है, ये बेचारा दया का पात्र है, भगवान इस पर कृपा करें, इसकी बुद्धि को शुद्ध करें। तो दूसरा बुरा करता तो ये सोचे, और अपने किसी का बुरा करने की इच्छा हो तब ये सोचे कि इससे हमारा बुरा हो जाएगा, उसका बुरा होगा नहीं, होना होगा तो ही होगा, अपने ये पाप पल्ले बांधते। तो वो कहते हैं कि हिंसस्व पापी न विहंसित खल, ये जो खल था दुष्ट ये तो अपने ही हिंसक वृत्ति से, ये अपने ही पाप से ये मर गया, इसके पाप इसको खा गए। और जो साधु पुरुष होते हैं वे अपनी समता से, अपनी समबुद्धि से सारे भयों से बच जाते हैं। तो समबुद्धि रखे तुलसी ममता रामसो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भवपार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जो कुछ भी अच्छा बुरा प्राप्त हो, बुरा काम न करे अच्छा काम करे, पर यदि कोई अच्छी बुरी स्थिति प्राप्त हो जाए वहां तो समता रखे, और सारी ममता सब जगह से निकाल कर एक भगवान में संयुक्त कर दे तो क्या होगा, राग द्वेष रहेगा नहीं, राग द्वेष नहीं रहने से पाप नहीं होगा, पाप नहीं होने से दुख नहीं होगा और भवसागर से पार हो जाएगा। तो साधु समत्वेन भयाद विमुच्यत, साधु जो हैं संत पुरुष अच्छे पुरुष, साधु का अर्थ कोई वेशधारी नहीं, साधु का अर्थ है जिसका साधु आचरण हो, जिसका शुभ आचरण हो वही साधु, उसमें किसी जात पात का, किसी आश्रम का, स्त्री पुरुष का, पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे का भेद नहीं, जिसके साधु आचरण वो साधु। तो साधु आचरण की कसौटी है समत्व, समत्वम योग उच्यते, हानि लाभ जय पराजय यश अपयश इत्यादि में बुरा काम न करे, पर जहां तक अपने से बने समबुद्धि रखे, तो समबुद्धि उसको नए पाप से बचाती है और उसकी रक्षा करती है। तो कहते हैं बड़ा सुंदर ये हो गया, ये पापी अपने आप अपने पाप से मारा गया, और साधु पुरुष अपनी समता से ही आप बच जाते हैं। इसी तरह से हमारा ये लल्ला श्री कृष्ण ये बच गया। अब वो सब मातृस्थानीय वत्सला जिनके हृदय में वात्सल्य स्नेह का झरना झर रहा है, ऐसी वो माताएं और मातृस्थानीय और नंद गोपादि उनके भाई उपानंद आदि, अब ये बच्चा बच गया ना, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कहते हैं भाई न मालूम हमने कौन सा पुण्य किया, किम नस तपस्चीर्ण मधुक्षजार्चनम पूर्तेश दत्तमुद्भूत सौहृदम यत संपर्यत पुनरिव बालको दिष्टा सबंधुन प्रण्यनुपस्थितः। भी हमने कौन सा ऐसा तप किया था, हमने कौन सी भगवान की पूजा की, दूसरों का दुख नाश करने के लिए हमने कहां कहां कौन सी प्याऊ लगाई, जल का इंतजाम किया, कुएं बावली बनाए, पूर्त यज्ञ दान किए, जीवों के भलाई की,
जिससे हमारा ये बालक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मरकर भी राक्षस के चंगुल में जाकर भी अपने सुजनों को सुखी करने के लिए मानो फिर मौत के मुंह से लौट आया। ये बड़ा सुंदर काम हुआ, सब प्रसन्न हो गए। तो नंद बाबा को याद आई बात वसुदेव जी की, दृष्टवाद्भुता ने बहुशो नंद गोपो बृहद वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मिता। वसुदेव जी ने कहा था ना कि गोकुल में बड़े उपद्रव होंगे, तो वसुदेव जी बड़े योगी सिद्ध पुरुष हैं, वे जान गए पहले से। तो नंद बाबा ये महावन में अद्भुत घटनाएं होते देख करके आश्चर्यचकित होकर वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया कि ठीक बात है। अब ये बड़ी सुंदर विरोध की बाल लीला है, भगवान के ऐश्वर्यमयी भी। ये एक दिन की बात है, सब मैया दूध पिला रही थी, बच्चे को गोद में लिए स्तन पिला रही थी। वात्सल्य भाव है ना, भगवत भाव तो है नहीं, वात्सल्य भाव। दूध पिला रही थी तो दूध पीते पीते ये थका नहीं। माता हर अवस्था में वो बच्चे का हित सोचती है, खिलाने जाकर और खिलाने और खाने न देकर भी, जहां देखती यहां खाने से बच्चे का ये स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा वहां खाने को नहीं देती, और जहां देखती है कि खाने से बच्चे को शक्ति मिलेगी वहां बड़े प्रेम से खाने को देती है। तो ये अब वो ऐसी चीज थी, वो लिखते हैं कि भगवान जो है ये आप्त काम है, पूर्ण काम है, इनको भूख नहीं प्यास नहीं और इनमें किसी प्रकार की कामना की कल्पना नहीं, पूर्ण काम है, नित्य काम, आप्त काम। परंतु भगवान का एक स्वभाव है प्रेम परवशता, जहां विशुद्ध अनुराग होता है, विशुद्ध प्रेम होता है और प्रेम जनित जो संबंध होता है, उस संबंध में भगवान भूखे भी बन जाते हैं, प्यासे भी बन जाते हैं, उसमें उन्हें मिलता है अमृत। माने जिस किसी व्यवहार में, भोजन में, पान में स्वार्थ होता है, जहां कोई व्यावहारिकता होती है, जहां किसी प्रकार का कोई मनोरथ होता है और जहां प्रेम नहीं होता, वहां भोजन का दूसरा रूप, और जहां प्रेम होता है वहां भोजन का दूसरा रूप, भोजन की चाहे सामग्री वो की वो। पीछे की बात एक बताते हैं टीकाकार कि भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन करके गए पांडवों के कौरवों के यहां राजसभा में, तो बड़ी भारी तैयारी की थी दुर्योधन। अपने वैभव दिखाने के नाते, सभ्यता के नाते, हम इतने बड़े हैं तो हमारी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, इस भाव को लेकर, न कि श्री कृष्ण का आदर करना है, उनसे प्रेम करना है, उनको सुख पहुंचाना, इस भाव से। तो महाभारत में आता है कि तैयारी बहुत की, तो पहले उसका बजट बना, हिसाब बना, उसके बाद जब ये देखा गया कि वो पहले बनाया धृतराष्ट्र ने, वो जब इनके सामने आया दुर्योधन के सामने, तो इसने सोचा कि भाई करना तो अपने स्वरूप के अनुरूप ही है, अपने स्वरूप के तो बहुत ज्यादा है। तो उसने काट छांट करके उसको कम कर दिया, पर कम करने पर भी वो बहुत ज्यादा रहा, कम करने पर भी इतना ज्यादा रहा कि उसके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ी चीज रही। तो ये वर्णन आता है कि तमाम गलियों में इत्र छिड़का गया, इत्र से छिड़काव किया गया, और कोसों दूर तक स्वागत के लिए सब तोरण बने और स्वर्ण की और रत्नों की बंदरवाने बनाई गईं, बड़ी तैयारी हुई, भोजन का इतना सामान, इतनी सामग्री बनाई गई कि जिसको आज छप्पन भोग सेंत के नाम से लोग कहा करते हैं, तैयारी हुई। तो श्री कृष्ण जब उनके यहां पहुंचे, जब दरबार में सारी बातचीत हो गई,
तो बातचीत के पश्चात दुर्योधन ने कहा कि भोजन करने आप चले। तो श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बोले भोजन तैयार है महाराज, भोजन करने चली। जरा रोब से कहा, राजा थे ना दुर्योधन के मन में कि हम बहुत बड़े राजा हैं, काम है तैयार है भोजन, अब चलिए ना देर हो रही है। तो बोले हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्षमा करो। नम्रता से कहा, बोले क्यों नहीं जाएंगे, जरा ठेस लगी, अभिमान पर ठेस लगी, क्यों नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसे ही। तो कहा हम कुछ जात में छोटे हैं आपसे, या आपके आपसे हैसियत में छोटे हैं, या आपका हमारा संबंध नहीं। संबंध था, दुर्योधन की लड़की का ब्याह हुआ था श्री कृष्ण के लड़के से, सांब से, हमारा आपका संबंध, सगे हम कुछ जात में नीचे नहीं, हम आपके वैभव में नीचे नहीं, क्यों नहीं खाएंगे हमारे यहाँ। तो श्री कृष्ण ने वहां पर दो बात कही, कहा भाई आप क्षमा करें, भोजन दो प्रकार से होता है, या तो कोई भूख मरता हो, अकाल से पीड़ित है, भूख मरता है, जहां जो मिले जैसे ही मिले, मान अपमान कोई वस्तु नहीं, पेट भरना जैसे ही मिले, जो मिले रूखा सूखा उठा के खा ले, और या जहां प्रेम हो वहां घर में घुस के रूखी रोटी खा ले। तो प्रेम आप में नहीं, भूख में नहीं मरता, इसलिए नहीं खाऊंगा। इसका कोई उत्तर था नहीं दुर्योधन के पास, यद्यपि बहुत ये कड़ी चीज थी पर कटु सत्य था। दुर्योधन कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि प्रेम था नहीं, रोग था। तो दुर्योधन कुछ नहीं बोले, तो ये बाहर निकल गए। भीष्मादि साथ गए, भीष्म ने कहा कि महाराज हमारे घर चलिए। तो इन्होंने कहा भाई आपका घर तो हमारा ही घर है, पर आज तो हमें जाना है हमारे विदुर के यहाँ। तो विदुर के यहाँ बिना बुलावे पहुंच गए विदुर की झोंपड़ी पर, और झोंपड़ी पर जा करके विदुर थे नहीं, और पुकारा वहां पर। ये बीच में कथा आ गई, थोड़ी सी कह दें इसको, बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल की। विदुर इतने त्यागी रहे, इतने बड़े वो सादगी पसंद रहे, कि कुछ लेते तो थे ही नहीं, धृतराष्ट्र चाहते थे हमसे बहुत, लेते नहीं थे। उनके घर में केवल विदुर पत्नी के पास एक साड़ी थी, दो कपड़ा नहीं था, और छोटी सी झोंपड़ी रही, सामान वामान कुछ नहीं, सामग्री कुछ नहीं। तो वो विदुर पत्नी क्या करती कि जब नहाती तो कोई चिथड़ा लपेट लेती और वो धोती धो के सुखा देती, और नहाने के बाद धोती जब सूख जाती तो उसे पहन लेती। कोई आने जाने वाला कोई घर में था ही नहीं, नौकर चाकर कोई था ही नहीं, अकेली घर में बिछाई रहती थी। तो श्री कृष्ण इनके यहां पहुंचे, विदुर उस समय थे नहीं। विदुर तो जब ये श्री कृष्ण का अपमान किया दुर्योधन ने, उसे सह नहीं सके विदुर, तो विदुर सभा से अन्यत्र चले गए थे। तो ये जब पहुंचे, इन्होंने कहा बाहर से किवाड़ बंद थे, तो किवाड़ पर जरा धक्का दिया और बोले मैया मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूं, भूखा हूं। वहां तो देने पर भी दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, इसका यही रहस्य है। तो ये इन्होंने क्या किया कि किवाड़ खटखटाए और कहा मैया मैं बाहर कृष्ण भूखा खड़ा हूं। अब वो उस समय नहा रही थी पर वो सुना कृष्ण बाहर खड़े हैं भूखे हैं। अब इतना उनके अंदर स्नेह उपजा, इतनी प्रेम की बाढ़ आई कि वो भूल गई मैं नहा रही हूं, जानबूझ के कुछ नहीं किया उसने, भूल गई वो विदुर पत्नी कि मैं नहा रही हूं और इस अवस्था में हूं। वो दौड़ करके उसने किवाड़ खोला। श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े थे, अपना पीतांबर पीला कपड़ा पीत वस्त्र यूं फेंक दिया, वो उसकी साड़ी बन गया, सारे बदन को उसने ढक लिया। तो जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़ के ले जाती अंदर, उसी प्रकार कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा चलो अंदर खाओ, भूख लगी है।
अंदर ले गई। अब वहां वर्णन बड़ा सुंदर आता, अंदर ले गई, प्रेमावेश में है, प्रेम का आवेश है, स्नेह का आवेश है। उसे ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, क्या करूं, इतना ही पता है कि कृष्ण भूखा, इसे खाने को देना है और कोई बात नहीं। तो अंदर ले जाकर के अब घर में कुछ सामान वामन, आसन वासन, कुर्सी वर्सी तो थी नहीं, कहां बैठावे उनको। तो एक पीढ़ा रहा, पीढ़ा तो पीढ़ा उसके बीच का जो था अंश वो टूटा हुआ था, टूटा हुआ पीढ़ा था, बीच में वो था नहीं कुछ भी और उल्टा पड़ा था। ये सब बड़ी सुंदर प्रेमावेश की बात। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बीच में बैठ जाओ। तो उल्टे पीढ़े पर चारों पायों के बीच में वो बैठ गए। अब उनको भी, वो भी इस समय प्रेम के भूखे हैं ना, आप्तकाम भगवान ये प्रेम कामी है, तो बैठ गए। अब वहां कहा कि भाई उसने कहा इसको खाने को देना है। कुछ था नहीं घर में, कुछ केले पड़े थे पहले के आए हुए। तो अब वो केले हैं कि आम है या संतरा है, ये होश तो रहा नहीं, केले पड़े थे। तो देखा कोई फल है, तो ऐसे फल भी होते हैं जिसके अंदर गुठली होती है और ऊपर खाने का गूदा होता है। ऊपर चीज खाने की होती है, अंदर फेंकने की होती है। तो उसको होश था नहीं कि केले हैं, तो छिलके छील छील कर तो देने लगे खाने के लिए और अंदर का गूदा गूदा फेंकने लगी। अब ये छिलके मजे में खाए जा और कहे जा मैया बड़ा स्वाद है, की और दे, थोड़ा एक और दे, एक और दे, ये खाए जा और वो गूदा फेंके जा। उधर विदुर को पता लगा कि श्री कृष्ण तो घर पधारे हैं और कोई स्वागत सत्कार करने वाला है ही नहीं घर में, न कोई सामान है, न कोई पूछने वाला है, तो अपने घर में आए थे, प्रेमी का घर। तो ये पहुंचे, ये पहुंच करके जब अंदर गए, देखा पत्नी को देखा तो वो पीतांबर से शरीर ढके खड़ी पड़ी है, खड़ी है, भगवान का पीतांबर है, वो पहचान गया। और भगवान उल्टे पीढ़े पर बैठे हैं उकड़ू, और केले के छिलके खा रहे हैं और केले का गूदा पड़ा है। तो विदुर तो होशवास में थे, विदुर को बड़ा खेद मन में हुआ कि ये पगली हो गई, क्या खिला रही है, किसको खिला रही है, कौन है ये। तो विदुर ने कहा क्या कर रही हो। तो उसे तो होश था नहीं, बोलती कैसे, वो दोनों ही दूसरे राज्य में थे। इस जगत का जो राज्य है, जहां व्यवहार है, लेन देन है, इसमें न विदुर पत्नी थी और न श्री कृष्ण थे। वो केले के छिलके खा रहे और ये खिला रही, दोनों बड़े मौज में रहे। विदुर ने कहा क्या कर रही हो, बोली नहीं। तब विदुर ने हाथ पकड़ के झकझोरा, अरे क्या खिला। अब होश आया, होश आया, कहा क्या खिला रही, देखा रही केले के छिलके, ये तो खा रहे हैं और ये बैठे कहाँ है, और मैंने ये और क्या, ये पहन क्या रखा, मेरी साड़ी तो है ही नहीं। सारी बातें ध्यान में आ गई, संकुचित हुई। अब ये अभी तक ध्यानस्थ ही बैठे हैं श्री कृष्ण, ना मैया दे और दे। विदुर ने कहा महाराज क्या दे और, जाए तो देखिए। देखा तो बोले विदुर तुम भैया बड़े बेमुखे आए, हमारा सारा ही मजा बिगाड़ दिया तुमने। हम जिस मीठी चीज को खा रहे थे, इसमें जो माधुर्य था, तो गीता में एक श्लोक आया, भगवान ने कहा, वही श्लोक भागवत के सुदामा प्रसंग में आया, ज्यों का त्यों, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहृतम अश्नामि प्रेतात्मनहम। प्रेम से सनी हुई कोई चीज जिसमें प्रेम का अमृत रस भरा हुआ हो, अंदर जिसके ऊपर से कुछ न दिखे, वो चाहे एक पत्ता हो, वो चाहे एक घूंट जल हो, वो चाहे फूल की एक पंखड़ी हो, वो चाहे जरा सा कोई मामूली फल हो, वो मुझे इतना प्रिय लगता है कि मैं पूर्ण काम होने पर भी मुझे भूख लग जाती है उसे खाने के लिए। और अश्नामी ये नहीं कि भाव से ग्रहण कर लू मैं उसे, उसे मैं खाता हूं, अश्नामी उसे मैं खाता हूं। तो ये यशोदा मैया के स्तन दुग्ध में
इतना अपार स्नेह अमृत भरा है, स्नेह सुधा से भरा हुआ स्तन दुग्ध कि बच्चे बने हुए श्री कृष्ण के मन में इस दूध को पीते पीते कभी तृप्ति होती ही नहीं। तो कभी कभी तो माँ भी भूल जाती है। ऐसा एक टीकाकार बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ये बड़ी विनोद की भाषा में कि इनमें होड़ लग गई एक बार श्री कृष्ण की भूख में और माँ के स्तनदान में, माँ के दुग्ध में, उनका दूध और इनकी भूख, इनमें होड़ लग गई। जितना ये पिए उतनी उनकी भूख बढ़े और जितना वो पिए उतना दूध बढ़े, तो कौन वहां पर शांत हो, कौन छोड़े? तो कहते हैं फिर रोहिणी मैया आई। रोहिणी मैया ने आ करके घंटों हो गए इसको दूध पीते और उसको पिलाते, दोनों में कोई विराम नहीं। तो रोहिणी मैया ने आके दोनों को होश कराया, छुड़ाया कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा। तो ये दूध में इतना अधिक इनके अमृत था, स्नेह का अमृत, प्रेमामृत, कि जो भगवान को भी उसके पान करने के लिए प्रलुब्ध बना दिया, भगवान लोभी हो गए उसके। तो एक दिन ये पी रहे थे। अब ये भागवत की एक कथा है और उस पर ये भाष्यकारों का सुंदर विवेचन है। वो कहते हैं एक दिन पी रहे थे तो पीते पीते ये थके नहीं। तो मैया ने सोचा कि ज्यादा पी जाएगा तो इसको अपची हो जाएगी, पेट में दर्द वर्द हो जाएगा, दुख पाएगा बच्चा, तो ठीक नहीं। तो कहा छोड़ दे। छोड़ना चाहते थे नहीं, भगवान में तो उस समय माधुर्य प्रकट था, पर ऐश्वर्य शक्ति ने, भगवान की जो छिपी हुई ऐश्वर्य शक्ति वहां पर थी, उसने सोचा कि जरा माँ को चमत्कार दिखाएं। ऐश्वर्य शक्ति आखिर तो ये हार जाएगी माधुर्य शक्ति के सामने, पर अभी तक ऐश्वर्य थोड़ी थोड़ी अपनी क्रिया करती शक्ति। तो उसने सोचा ऐश्वर्य शक्ति ने कि जरा मैया को दिखाएं चमत्कार, ये क्यों इतना पी रहे हैं। तो मानो भगवान ने मुंह दिखलाया अपना, मुंह दिखलाया। एकदार भगवान मादाय स्वांकमारूप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। स्नेह में आप्लावित होकर बड़े स्नेह से मैया दूध पिला रही, सराबोर हो रही वात्सल्य स्नेह से और दूध झर रहा स्तनों से। पीत प्रायस्य जननी सा कशरुचिरस्मितम मुखम लारयती राजन जृंभतो ददृशे इदम। बड़ा सुंदर सुंदर झांकी दिखाई यहां पर। कृष्ण प्राय दूध पी चुके, यशोदा मैया जो है ये उनके रुचिर मुस्कान से जो मनोहर लग रहा था मुखमंडल, उसे चूम रही, बच्चे का लालन कर रही, हाथ फेर रही। इतने में भगवान को जंभाई आई, ऐश्वर्य शक्ति ने अपना काम किया। जब जंभाई आई तो मुख जब खुला, यशोदा ने देखा खम रोदसी ज्योतिरनी कमाशा सूर्येन्दु बन विश्वसदान बुधींश्च द्वीपान नगास्तद्दुर्बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। यशोदा ने देखा श्री कृष्ण के नन्हे से मुखमंडल में, मुख के अंदर आकाश है, अंतरिक्ष है, तमाम नक्षत्र मंडल है, दिशाएं हैं, सूर्य चंद्रमा है, अग्नि वायु हैं, समुद्र के समुद्र हैं, द्वीप हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, वन हैं और समस्त प्राणी, सब प्रकार के प्राणी उनमें स्थित हैं। चकित हो गए मैया देख करके। वर्तिष्यमान वचनां जननी विभाव्य विश्वम विभागी पयसोस्य न केवलोहम अस्माद दर्शी हरिणा किम विश्ववासिये। बोली कि यशोदा मैया तू डरे वरे मत,
ये देख मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख विवर में रहने वाला अनंत विश्व ब्रह्मांड और अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्राणी ये मेरे खाए से सब खाते हैं, मेरे पिए से ही सब पीते हैं, इन सब के रूप में मैं ही खाता पीता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर स्वरूपतः प्रकट हूँ तो मेरे अंदर ये सब समाये हैं, अंतरिक्ष आकाश ज्योतिर्मंडल दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु ये पवन और ये पर्वत नदियां दिशाएं सब, इन सब के जो प्राणी हैं ये सारे प्राणी मेरे अंदर बैठे हुए, मेरे अंदर रहते हुए और हिस्सा हिस्से से सब खा रहे हैं। तो तेरा जो दूध है ये तो सारे विश्व को परितृप्त करने वाला महान साधन है मैया, तू घबरा मत, पिलाए जा और देख के डर भी मत। ये मानो ऐसे शक्ति ने कहा, पर मैया की तो ये बात ध्यान में आई नहीं। मैया ने सोचा अपने मन में पहले तो कि ये पता नहीं कोई राक्षस आ गया क्या, ये राक्षस मारने को आते हैं किसी राक्षस की माया, तो सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु सम्मील मृग सावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। मैया आश्चर्यचकित हो गई, सुविस्मिता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा अकस्मात, कोई साधना वाधना नहीं कि सारे जगत को देख करके वो मृग शावक नयनी यशोदा का शरीर कांप गया। तो कांप गया तो अब क्या करे। मैया ने सोचा अपने मन में कि जरूर कोई राक्षसी क्रिया है। फिर सोचा कि नारायण रक्षा करते हैं, राक्षस तो आता कहां से, नारायण की रक्षा है ना, नारायण भगवान रक्षा करते हैं, तो ये जरूर मेरी आंखों में बूढ़ी हो गई ना मैं, और बच्चे का स्नेह, तो स्नेह के आंसू बहते रहते हैं तो आंखों में कुछ जाला वाला आ गया, और मैंने अपनी कल्पना से और ये इसके मुंह में देखा, इसके मुंह में कुछ बच्चे के मुंह में क्या होता, वात्सल्य भाव है ना, माधुर्य भाव, यहाँ पर यहाँ किसी प्रकार का इनके मन में ये ऐश्वर्य तो है नहीं, तो सोचा बच्चे के मुंह में कहाँ से आता ये सब सारा जगत, ये जरूर मेरी आंख का दोष है, मेरी आंखों ने ही ये उपद्रव पैदा कर दिया कल्पना से। तो मैया ने क्या किया कि सम्मील्य मृग सावाक्षी नेत्र आसित सुविस्मिता, आश्चर्यचकित होकर के माता ने अपनी आंखें मूंद ली, आंखें मूंद ली तो लीला का अवसान हो ही गया। अब ये सातवां अध्याय समाप्त हुआ, इसके बाद अब है आठवें अध्याय में भगवान का नामकरण। जन्म संस्कार तो पहले हो गया किसी प्रकार, अब नामकरण है। तो नामकरण अब तक भी बलदेव जी का भी नहीं हुआ था, तो ये यशोदा नंदन के श्री कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व ही वसुदेव जी का जन्म हो चुका, परंतु ये बात क्या थी कि रोहिणी जी आई थी कंस से छिपकर, वसुदेव जी ने भेज दिया था इसको इसलिए कि कंस को पता न लगे कि रोहिणी वहां है और उसने किसी बालक को जन्म दिया है, जन्म होने वाला था बालक का, तो इसलिए ये तब से इनको अलग महल में रखा था नंद बाबा ने, और ये किसी के सामने इनको लाया नहीं गया, तो बच्चे का जन्म हुआ उसको भी गुप्त ही रखा गया। तो कुछ जो अंतरंग गोपी गोप थे, जो यशोदा के महल में नित्य आने जाने वाले घर के विश्वस्त, उन लोगों के सिवा ब्रजवासियों ने किसी ने भी बलदेव जी को अब तक देखा नहीं था, यहां तक कि नंद उपनंद भी उनके घर नहीं जाते थे, कि बार बार जाए तो उनके सब खुफिया घूम रहे थे कंस के, और पूतना जो राक्षसियां सब मारने के लिए बच्चों को आई हुई थी, तो ये किसी को पता लग जाए कि इस घर में कोई बच्चा है और नंद बाबा बार बार आते जाते हैं और ये यशोदा आती जाती हैं, तो कहीं किसी के बहम हो जाए। तो निकटतम परिवार के जो लोग थे ये भी एक दिन तो गए, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन तो नंद उपनंद आदि गोप और यशोदा आदि उपनंद पत्नी आदि ये सब गई,
उसके बाद ये लोग भी कोई नहीं गए। पर वो शिशु था बड़ा मधुर, शुभ्रांशु वक्त्रम कटिदालिलोचनम नवाब्ध केशम शरदभ्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसूतरोहिणी तत्तच्च युक्तम सही दिव्य बालक। दिव्य बालक था ये समुदित चंद्रमा के समान, तो उसका श्रीमुख है और बिजली जैसी विद्युत के समान उसके नेत्रों की शोभा है, चमक रहे हैं नेत्र, और उसके सिर पर नवकृष्ण नवजलधर नए मेघों के समान सुंदर कृष्ण केश हैं। सारे अंगों की आभा वो शारदीय शुभ्र आकाश के समान है और सूर्य के समान उसका बड़ा भारी तेज है।